सो डियर फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में क्या देखने के लिए जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को तो हमने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बता दिया था और एक बड़े पजल में हम पहुंच गए थे कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो उसी प्रकार से हर कोई फॉर्मूला जिसको CXH2O होल Y के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को केमिकली डिफाइन किया गया है कि इसको पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना, जैसे पॉलीगॉन हो गया, पॉलीगॉन क्या होता है, उसे बहुत सारे साइड्स होते हैं। तो पॉली हाइड्रोक्सी, अब ये हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH लगा हुआ होना। तो बहुत सारे OH लगे हुए अगर होंगे उस केमिकल कंपाउंड को, साथ ही साथ उसमें और क्या लगा होना चाहिए, एल्डिहाइड लगा हो सकता है। अभी एल्डिहाइड आप लोगों को तो पता है ही, CHO बोलते हैं। कीटोन लगा हो सकता है, कीटोन लगा हो सकता है, या फिर ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके ऊपर पानी डालने से वो इस तरीके का कोई एक केमिकल देते हैं। ऐसे चीजों को हम बड़े प्रेम से क्या बुलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो थोड़ा सा अटेंटिवली इसको जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो बहुत सारे OH करके लगे हो और साथ ही आपको फ्री में एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लगा हो, या फिर कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस के हो जाने पर आपको इस तरीके का केमिकल कंपाउंड दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। आ गया समझ में सभी को, तो बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट आखिर होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट हमने तीन भागों में इसको विभाजित किया हुआ है, देयर आर थ्री डिविजन्स टू दिस कार्बोहाइड्रेट्स। अरे तीन कौन से डिविजन है, जरा ध्यान से देखिए। जो पहला डिविजन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम बोलते हैं मोनोसेकराइड्स, मोनोसेकराइड्स। अभी याद रख लीजिए, मैं आपको एक एक चीज करके समझाऊंगा। दूसरा डिविजन जो किया गया है उसको हम बोलते हैं ऑलिगोसेकराइड्स। बड़ा ही नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, बट मजेदार भी है। आप लोगों को लग रहा होगा बायोमोलिक्यूल में तो बड़े अजीब अजीब नाम है, बट मजा इसी से ही आता है ना। मैंने अपने इंग्लिश टीचर से एक सुना था, एक प्रोवर्ब लिखा था कि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो जितनी ज्यादा वैरायटी यहाँ पर नामों में मिलेगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मजा तो सभी के साथ आता है। तो मोनोसेकराइड, ऑलिगोसेकराइड एंड पॉलीसेकराइड, तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के सेकराइड्स हैं। तो आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ सेकराइड्स क्यों लिखा गया है, क्योंकि बिटुआ कार्बोहाइड्रेट को प्रेम से सेकराइड्स भी बुलाया जाता है, क्योंकि सेकराइड्स का मतलब होता है सैक्रिन, सैक्रिन का मतलब होता है शुगर जैसा, तो मीठे मीठे लगते हैं इसीलिए इसको सेकराइड बोला गया है, और जो मीठे लगते हैं उन्हीं के नाम पे हमने अपना ओपनिंग किया है। तो ठीक है, आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स की ये डिवीजन के डेफिनेशंस क्या हैं और इसको और डीप में आप समझिए।